दिवाली खुशियों का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार। एक ऐसा दिन जब हमारा पूरा देश जगमगा उठता है, लेकिन इस जगमगाहट में भी अंधेरा फैलाने वाले लोग शामिल होते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, जिनकी दुकानें सिर्फ नफरत से चलती है। हमारा देश एक डाइवर्स देश है, एक डाइवर्स नेशन है, जहां कदम कदम पर लोग बदलते हैं, भाषाएं बदलती हैं, सोच बदलती है, पहनावा बदलता है, खाना बदलता है, रिलीजन बदलता है। लेकिन ये लोग इस डाइवर्सिटी को ही खत्म कर देना चाहते हैं, जो हमारे देश की असली पहचान है, जिसकी वजह से हमारा देश दूसरे देशों से कई मायनों में अलग है। ऐसे लोगों के लिए ये नफरत फैलाना कोई आम बात नहीं। अब आप लोग यहां ये सोच रहे होंगे, ऐसे लोग मतलब कैसे लोग? तो मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग मतलब ऐसे लोग जो अच्छी चीजों में से भी, प्यारी चीजों में से भी नफरत की चीज निकाल लेते हैं और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में आई एक फैब इंडिया की दिवाली को लेकर एडवर्टाइजमेंट को ही ले लीजिए, जो बहुत ही प्यारी एडवर्टाइजमेंट बनाई गई, लेकिन फैब इंडिया को वो एडवर्टाइजमेंट वापस लेनी पड़ी। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट की जो टैगलाइन थी उसका नाम रख दिया जश्न-ए-रिवाज। कितनी बड़ी बात हो गई नहीं कि जश्न-ए-रिवाज पर देश में हो गया बवाल। आरएसएस के जो सेवक हैं और इंडियन पॉलिटिशियन है तेजस्वी सूर्य, उन्होंने इस टैगलाइन को लेकर टिप्पणी की और कहा कि ये हिंदुओं का त्यौहार है, इसमें जश्न-ए-रिवाज लिखना सही नहीं, ये हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाता है। बस उनके लिखने की देरी थी कि लोग तो शुरू हो गए, एक के बाद एक ट्वीट आने लगे। कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया कि ये हिंदुओं का त्यौहार है, मुस्लिम त्यौहार नहीं, तो यहां पर जश्न-ए-रिवाज लिखना सही नहीं। त्योहारों में भी हिंदू मुस्लिम होने लग चुका है और ये कोई पहली बार नहीं है जो इस एडवर्टाइजमेंट के साथ किया गया हो, ऐसे पहले भी बहुत सी एडवर्टाइजमेंट के साथ किया जा चुका है। तनिष्क की एक एडवर्टाइजमेंट ही ले लीजिए, अभी हाल ही में आई डाबर की एडवर्टाइजमेंट ले लीजिए, जिसमें उन्होंने करवा चौथ सेलिब्रेशन को लेकर सेम सेक्स का एक मैसेज दिया था, लेकिन नहीं, वहां भी लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया। और ये बवाल खड़ा करने वाले कुछ चंद लोग नहीं है, इनकी तादाद अब असल मायनों में बढ़ती जा रही। ये लोग नफरत की राजनीति में घुस चुके हैं और नफरत को फैलाते जा रहे हैं। ये लोग आपको कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, देश में बढ़ रहे क्राइम को लेकर, फ्यूल प्राइस को लेकर बात करते हुए दिखाई नहीं देंगे। इवन दो जो अभी 2021 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई, जिसमें इंडिया का स्थान नीचे गिर चुका है, उसको लेकर भी इनमें से किसी भी व्यक्ति ने एक भी ट्वीट नहीं किया, क्योंकि वो इनका काम है ही नहीं, इनका काम है सिर्फ नफरत फैलाना, इनकी दुकानें नफरत से ही चलती। हमें बचपन में सिखाया जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि आज के दौर में अब फिर से ये सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि हम ये भूलते जा रहे हैं, ये नष्ट होता जा रहा है। हमारे अंदर जो एक भाईचारे की भावना थी वो खत्म होती जा रही है। दिवाली खुशियों का और रोशनी का त्यौहार है, तो दिवाली में खुशियों की रोशनी ही फैलाए, नफरत का अंधेरा ना फैलाए। हैप्पी दिवाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस दिवाली आप क्या करने वाले। मैं तुषार मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7।